व्हाट्स अप गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप सब बढ़िया ही होगा। तो अभी हम हैं चैल में और सुबह के बज रहे हैं 10, 6 बजे के उठे हुए हैं। तैयारियां चल रही थी कि जल्दी जल्दी निकल जाया जाएगा 7:30-8 बजे के आसपास, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। काफी लेट हो चुके हैं और आगे हमें कहां तक जाना है अभी कोई डिसाइड नहीं हुआ, बस चलते जाना है। मौसम अगर खराब हुआ शाम के टाइम तो हम कहीं बीच में रुक जाएंगे। क्या देखने आई हो? तो फाइनली हम लोग निकल चुके हैं आगे की राइड कंटिन्यू करने के लिए। दोपहर के 12:30 बज गए। एक्चुअली में देखो यार, रोड ट्रिप पर निकले हैं तो हम लोग क्या ना रोड ट्रिप का मजा लेते हैं, स्ट्रेस लेने की कोई जरूरत नहीं है। तो हम लोग तब से ना चारों लोग मिलके मस्ती मजाक कर रहे थे, बातें कर रहे थे और ये सब टाइम कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। इस रोड ट्रिप का ना एक चीज मैंने देखा कॉमन है, ऑलमोस्ट सारी बाइकों पे ना नियॉन कलर बहुत ज्यादा यूज हुआ है। जैसे आप जैसन पाजी का बैग देख सकते हो, उनकी बाइक देख सकते हो, बुल्लू भाई का हेलमेट देख सकते हो, खन्ना का हेलमेट देख लो, मेरा हेलमेट देख लो, सब पे नियॉन कलर है। इन सारी जगहों पे ना सर्दियों के टाइम में स्नोफॉल होती है और काफ़ी बर्फबारी होती है, यहाँ पे बर्फ हुई लगी रहती है चारों तरफ। यहाँ पे ऐसी जगह पे ना रहना जिंदगी का एक अलग ही मज़ा मिलेगा आपको। पहाड़ों में एक चीज़ की दिक्कत होती है, जैसे ये रास्ता ना वन लेन है तो अभी कभी कभी क्या हो रहा है ना, जैसे आप देख सकते हो ग्रेन्स वगैरह हैं तो टर्न्स पे बाइक को आप उतने अच्छे से घुमा नहीं पाते हो, ग्रेन्स के कारण स्लिप करने का चांस होता है। जैसे यहाँ देखो ग्रेन है बहुत ज़्यादा, तो स्लिप करने का चांस होता है और ये ग्रेन्स आते हैं वही लैंडस्लाइड वगैरह से। कहाँ जाना है? आप कह रहे हो ना कब पहुँचेंगे? हाँ भाई, तेरे को जल्दी हो रही नारकंडा जाने की। नहीं 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 नहीं, डाल दे अंदर, डाल इसको। आज फेंक लेंगे भैया। जस्ट जोकिंग, नाउ सी द मैजिक। अब आप सनी की आंखों से, व्हाट्स अप सनी, बस ट्रांसफर कर दूंगा खन्ना पे, कर दो खन्ना पे। ये सनी, अब हमें देख रहे हो खन्ना जी की आंखों से, ब्यूटीफुल लग रहे हैं, चमक रहे हैं शेड्स लगा के, पूरा चमक, पूरा सबका अलग अलग ग्रीन, ऑरेंज, ब्लू, तो बहुत वैरायटी रे बाबा। वाह, और ब्लू आज सब बढ़िया। ये चेंज कहाँ हो गया, ऊपर चला गया। वो नहीं पता। ओ माय गॉड। दोस्तों अल्टीमेट डिसीजन था इस रूट पे आने का यार। मजा आ गया। खाली एकदम मस्त, ऐसा ही मजा आता है। तो फाइनली हम आ गए नारकंडा वाले रास्ते पे। मैं सबसे आगे चल रहा हूँ, बाकी लोग पीछे ट्रैफिक जाम में फंस गए हैं। वो लोग बार बार ट्रैफिक में फंस जाते हैं और मैं निकल जाता हूँ। थोड़ा धीरे ही चलता हूँ, उन लोगों का आने का वेट करता हूँ और तब तक आप लोग मजे लो यार व्यू का। ट्रैफिक बढ़ गया इस पर, तो एक यूनिक सी चीज़ दिखाता हूँ। ये आगे वाइट कलर की जो कार जा रही है आप देख रहे हो, रेड नंबर प्लेट, TC नंबर यानी टेम्प्रेरी नंबर है। ये एक्चुअली में इलेक्ट्रिक व्हीकल है और बहुत सही लग रही है यार। सुजुकी की है, वैगनार के जैसे है साइड से, कुछ ऐसी दिख रही है, तो अच्छी लग रही है, अच्छी चॉइस, बढ़िया है। पिकअप भी अच्छा था, मैंने अभी देखा इसको। ये आगे जो गाड़ी है ट्रक है, बहुत ही गंदा ये चला रहा है ट्रक। आप देखो ये देखो कैसे इसने ओवरटेक किया है। ये नंबर था इस गाड़ी का और बहुत ही गंदा ये ट्रक चला रहा है। लो जी, हाईवे आ गया है और हम ले रहे हैं लीन का मजा। तो ऐसी रोड हो तो मजा आता है चलाने में। तो नारकंडा यहाँ से दिखा रहा 33 किलोमीटर और रामपुर 99। तो आज तो हम लोग रामपुर
तक पहुंच जाए तो बहुत बढ़िया है। रामपुर के आगे भी निकलने की कोशिश करेंगे। फिलहाल तो अभी का टारगेट हमारा है नारकंडा का। बाकी लोग आगे जा चुके हैं। एज यूजल मेरा गोप्रो हैंग कर गया था तो इसकी बैटरी निकाल के वापस लगानी पड़ी। नारकंडा के लिए इधर जाना होगा ना, नारकंडा सीधे। यार यहाँ तो कैमरा बंद करने का मन ही नहीं कर रहा है, इतने अच्छे अच्छे व्यूज़ आ रहे हैं, इतनी अच्छी अच्छी लोकेशंस आ रही है ना कि मन कर रहा है कि कैमरा ऑन रहे हमेशा। आपको ये जितने छत्ते दिख रहे हैं ना, ये मधुमक्खी के छत्ते हैं। कटवा दूं मधुमक्खी से तेरे को? मैंने तो ऐसे कर लिया। कहीं से ना घुसे अंदर? नहीं, छत्ते ही काट। कोई है तो एक फ्रेश निकाल के दिखाते यार। करोगे फ्रेश? क्या मतलब फ्रेश निकाल के दिखाओगे? शायद शायद तो इसमें नहीं है। शायद नहीं है। अच्छा अच्छा तो ये शहद जब बनाती है तो कहाँ जाता है? इसी के अंदर रहता है? ये अंदर फॉर्म है ना, अंदर वो सोख लेता है, बाद में निचोड़ लेता है, है ना भैया? नहीं है, मोम है ये। मोम है। ये सब तो काम भाई करते हैं, देखिए दिक्कत है। आप लोग OMG, ये काटेगी नहीं आपको? नहीं, ये सब तो नहीं काटते। ऐसा उतरी की आदत बननी पड़ी है। आपको पहचानती है? मैं ये आदत इसकी बन पड़े हैं काटने की। आपको लगेगी नहीं? शिट। भाई तो ये पहली बार मेरा एक्सपीरियंस था कि जो मधुमक्खियों की फार्मिंग होती है ना, मैंने आज पहली बार देखा। अलग ही एक्सपीरियंस था। भाई ने ऐसे हाथ में ऐसे मधुमक्खी ऐसे पकड़ ली। हमने पूछा कि अगर आप ऐसे मधुमक्खियों को पकड़ते हैं तो आपको काटती नहीं है? तो वो उन्होंने बताया कि उनको इतनी बार वो मधुमक्खियाँ काट चुकी हैं कि उनको आदत सी हो गई और उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो एक तरह से उनका बॉडी उनको इम्यून हो चुका है उसके लिए। भाई अलग ही एक्सपीरियंस था ये तो। दोपहर के 3 बज गए हैं और अभी तक हम लोगों ने लंच नहीं किया है। ऑलमोस्ट 3 घंटे से हम राइड कर रहे हैं, भूख ज़रूर लग गई है। सुबह के टाइम हम लोगों ने वही पूरी सब्जी वगैरह खाई थी जो होटल की तरफ से कॉम्प्लीमेंट्री होता है वो, और चाय पी के हम लोग वहाँ से निकले थे। बट फिर से भूख लग गई है तो अभी खाने के लिए नारकंडा, यहाँ से 7 किलोमीटर है तो नारकंडा आने वाला है, तो हम वहाँ खाने के लिए रुकेंगे एक होटल में। जैसन पाजी आ चुके हैं तो उनको आइडिया है कहाँ रुकना है, कैसे रुकना है, तो वो सही रहेगा। लो जी, फाइनली हम आ गए नारकंडा में और देखिए अपने भाई लोग कहाँ रुके हुए हैं। यहीं कहीं आसपास होने चाहिए वो रहे। भाई हम लोग बैठे हैं लेगी राम नारकंडा में और भूख बहुत जोरों की लगी हुई थी और खाना पीना हो गया। यहाँ पर भी हम लोग मजा ले रहे हैं कॉफी का और साथ ही साथ चल रही है फोटोज की एडिटिंग भी यहाँ पे। और जो कैमरे के पीछे बंदा है ना, ये मेरा सारा शॉट खराब कर रहा है। आई थिंक ये भी रिकॉर्डिंग बंद कर रहा होगा। ऐसा नहीं होगा इस बारी। गंदा लड़का है ये, बहुत गंदा लड़का है। ऐसा नहीं होगा इस बारी। बुल्लू पाजी कह रहे भाई मेरी भी फोटोज खींच दो। ये कभी कहीं रुकी नहीं रहे भक्ते यार, नहीं उठा। बहुत मजा आया यहाँ खा के, टेस्ट बहुत अच्छा था। मिलता हूँ फिर सीधे बाइक पे आप लोग।
सनीबाजी चलो बाइक को साइड करो हिमालयन चढ़ जाए अपना बुलेट हटाना बुल्लू भैया तो आई होप अभी एंगल सही आ रहा होगा, इससे पहले का जो एंगल था ना वो मेरा वाइड पे रह गया था, अभी मैंने इसको फिक्स किया है तो थोड़ा वाइड दिख रहा होगा चारों तरफ से, ऐसे सब खुला खुला सा। अभी मैं ग्लव्स नहीं पहन रहा हूँ, आगे जाके कहीं ग्लव्स पहनूंगा अगर ज्यादा ठंड लगी तो। हाँ ठीक है यार, ग्लव्स पहन रहे हो तो वैसे पता चल रहा। तो अभी जिस पेट्रोल पंप पे हम रुके थे वहाँ हमने पता किया तो बताया कि आगे भी बहुत सारा पेट्रोल टैंक है 28 किलोमीटर बाद, तो अभी मेरी गाड़ी हाफ टैंक ही हुई है तो आराम से हम लोग कवर कर सकते हैं कल्पा तक का रास्ता। 5 घंटे की राइड ऐसे दिखा रहा है और वैसे 160 किलोमीटर के आसपास है, तो देखिए होता क्या है, आप वीडियो में रहेंगे आपको पता चली जाएगा कि आगे हम लोग कहाँ स्टे लेते हैं। मेरा प्लान तो है कल्पा तक जाने का, बट बाकी बुल्लू पाजी कह रहे हैं कि नहीं हम लोग यहीं आगे रामपुर में कहीं रुक जाते हैं। अब समय पे डिपेंड करेगा कि हम कहाँ रुकने वाले हैं, कैसे रुकने वाले हैं। वैसे मौसम बताऊँ तो बहुत अच्छा है, बारिश का सामना हमें अभी तक करने को नहीं मिला है अभी तक की राइड पे। कल थोड़ी सी बारिश में फंस गए थे, बस हम लोग वहीं चहल जगह थी वहाँ पे रुक गए थे, आज हमें ऐसा कुछ फेस करने को नहीं मिला। और भूटान के रोड ट्रिप में एक चीज़ जो मेरा सबसे अच्छा साथ दे रहा है वो मेरा टायर, और जो टायर के कॉम्बिनेशन है ना वो बहुत परफेक्ट है। पीछे लगा हुआ है मिशलिन पायलट स्ट्रीट और आगे लगा हुआ है मैटजलर, तो दोनों का जो कॉम्बिनेशन है ना डेडली कॉम्बिनेशन है। आगे ग्रिप बहुत अच्छी मिल रही है, पीछे से ग्रिप बहुत अच्छी मिल रही है, और ये हमारे बुल्लू पाजी हमारा वेट कर रहे थे। ची 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 मजा आ रहा है, थर्ड गियर डाल के मैं नीचे धीरे धीरे आ रहा हूँ। अच्छा मजा आ रहा है, सुकून मिल रहा होगा। नहीं कोई आगे पीछे नहीं है ना, धीरे धीरे आ रहा हूँ। आ रही है भूसा, आ रही है भूसा, आ रही है भूसा आ रही है। चलो भाग लो भाग लो। अरे क्या करूं, वापस इसी तरफ आना पड़ेगा। अभी आगे चलो नीचे देखते हैं। तो टेम्परेचर में अभी ड्रामेटिक चेंज आया है, अभी तक ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, अब गर्म हवा लगने लगी है, तो ये भी एक नेचर का मज़ा है। मुझे अपनी जैकेट का जो आगे का चेन है ना वो खोलना पड़ा है, क्योंकि ये डैनीजी की जैकेट में ना अंदर गर्मी होती है बहुत ज़्यादा, मैश वाली जैकेट नहीं है ये। जैसे जैसे हम लोग नीचे आ रहे हैं गर्मी बढ़ते जा रही है, ओहो कुछ अलग ही लेवल की गर्मी हो रही है। तो अभी हम लोग हैं किंगल में, किंगल क्रॉस कर रहे हैं। अभी एक बाइकर रास्ते में मिला था हमें, और जहाँ तक उसने बताया कि आगे का रास्ता बंद है, तो हमारे बुल्लू पाजी ना परेशान हो रहे हैं, कह रहे हैं सनी बताओ क्या किया जाए, क्योंकि हमें जो लौटने वाला जो रूट फॉलो करना है वो है कोई और, मनाली होते हुए। तो जैसा कि बता रहे हैं कि आगे रास्ता बंद है, बट कोई नहीं यार, देखो अभी से टेंशन ले लेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। बुल्लू बाजी को चाहिए पेट्रोल, तो चलो हम भी ले लेते हैं पेट्रोल। भैया पेट्रोल मिल जाएगा, मिल जाएगा। तो अभी हम लोग यहाँ भरवा रहे हैं पेट्रोल, क्योंकि रिस्क नहीं लेना चाह रहे हैं, टैंक फुल ही रखना चाह रहे हैं, जहाँ मिल रहा है वहाँ भरवा ले रहे हैं एक बार। मैं ये कह रहा था अचानक से कितनी गर्मी लगने लगी, नीचे उतर की गर्मी हो गई है, ऊपर में ठंडा था नीचे गर्मी है। अभी एक ब्रिज आएगा, ड्रोन उठाते हैं ड्रोन।
तो अभी अभी खन्ना जी का मैसेज आया इंटरकॉम पे कि भैया हम लोग आगे की राइड कंटिन्यू नहीं कर रहे हैं, हम रुकेंगे यहीं पे रामपुर में, क्योंकि कुछ राइडर्स मिले हमें, उन्होंने बताया कि आगे मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है अभी, ख़राब मतलब बारिश हो रही है, तो बारिश से बचने के लिए हम लोग आज यहीं रुकेंगे, सुबह जल्दी निकलेंगे और कल जैसे वाली देरी नहीं करेंगे। जो भी डेटा कॉपी करना हो, चाहे जो भी सारा काम हो, आज ही कर लेंगे, पैक वगैरह करके बैग अच्छे से रख देंगे ताकि सुबह उठें और सीधे बाइक पर लोड करके निकल जाएं। देखो प्लान तो सोचा जाता है, लेकिन एग्जीक्यूट कितना होता है वो उस समय के सिचुएशन पर डिपेंड करता है। फ़िलहाल तो अभी आप राइड का मज़ा लीजिए, हमारे खुली सड़कों का मज़ा लीजिए और इस व्यू का मज़ा लीजिए। ओहो क्या बात है भैया, अरे भोजपुरिया जवनवा तू तो गर्दा मचा दिया ला भैया। ये देखो यहाँ तीन बाइकें पड़ी हुई हैं, इनका एक्सीडेंट हुआ होगा तो ये यहीं पड़ी है, इनको उठा के कोई नहीं ले गया। खन्ना जाएगा यहाँ तो भाग जाए यहाँ से। तो आज ना हम लोग बहुत ब्रेक लेते हुए जा रहे हैं, राइड को फुल टू एंजॉय करते हुए जा रहे हैं, नेचर का मज़ा लेते हुए जा रहे हैं, अल्टीमेट ही मज़ा, अल्टीमेट। OMG नीचे नदी बह रही है, क्या सही लग रहा है, मेरे लेफ्ट में नदी है और अच्छा खासा पानी है उसमें भी। तो हम जा रहे हैं थोड़ा सा ऑफ रोडिंग करने उस ब्रिज पे। वाओ अल्टीमेट, तो जी हम आ गए हैं ब्रिज के ऊपर, झूलता हुआ झूला वाला ब्रिज। आप नीचे देख सकते हो कितनी तेज धार है नदी की, बहुत ज़्यादा तेज करंट है, करंट इन द सेंस वो झटका वाला करंट नहीं, धार वाला करंट। यस, तो आई थिंक हम हैं अभी ब्रिज के बीचों बीच। वाओ वाओ वाओ, आओ 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 आओ, बूसा लेके आओ आओ, हो तेरी की। काफ़ी समय लग गया हम लोगों को यहाँ पे फ़ोटो वीडियोस लेने में, और देख ही सकते हो आप लोग अंधेरा हो चुका है। एज़ पर प्लान हम लोगों ने डिसाइड पहले ही कर लिया था कि हम रामपुर में स्टे लेने वाले हैं। आज का दिन हमारा एक तरह से कह सकते हो पूरा बर्बाद हो गया है, क्योंकि हम सुबह के टाइम जब जो है ना उठ तो गए थे टाइम से, बट निकले बहुत लेट हैं, ऑलमोस्ट 12:30 बजे के आसपास हम लोग होटल से बाहर निकले थे। ऑल दो आज राइड का मज़ा अलग आया, फ़ोटोग्राफी बहुत अच्छे से हुई। अगर आप इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करते होगे तो आपको पता ही होगा, नहीं करते तो लिंक मेरा यहाँ पे आ रहा होगा, इंस्टाग्राम का हैंडल आ रहा होगा, जाके फटाफट से फॉलो कर लो।
आपको वहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी फोटोग्राफ्स देखने को मिलेंगी और आने वाली अगली सारी ट्रिप की जानकारी आपको पहले वहीं मिलेगी। तो देखो भाई, आज की राइड तो ये रामपुर में ही कंप्लीट हो गई। खाना वाना खा लिया है हम लोगों ने, रात के 11 बज रहे हैं, सोने का टाइम हो गया है। तो होप करता हूँ ये जो सेकंड एपिसोड है ना, चार फ्लोर चढ़ के आया हूँ, सांस फूल रही है। ये जो सेकंड एपिसोड है ना, आप लोगों ने एंजॉय किया होगा, मज़ा आया होगा आप लोगों को इस दोनों एपिसोड में, अभी तक के एपिसोड में। तो देखो भैया, अब सोने का टाइम हो गया है, लाइट होने वाली है थोड़ी देर में बंद, और मिलता हूँ फिर कल यार नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए पता है ना क्या, बाय बाय, सी यू एंड एंजॉय योर लाइफ, बाय बाय।